हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टी लाइफस्टाइल। गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है राखी स्पेशल मेकअप लुक। बहुत कम मेकअप किया है क्योंकि डे मेकअप था इसलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए गुड वाइब्स का डे क्रीम। बहुत अच्छा है ये डे क्रीम, मैं हर मेकअप में ये ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इतना पसंद है ये वाला। तो अच्छे से मसाज देते हुए मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ जब तक मेरे फेस पे ये एब्जॉर्ब ना हो जाए। और फिर सेकंड मैं ये यूज़ कर रही हूँ आर्गन ऑयल, ये भी गुड वाइब्स का, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसको भी मैं अच्छे से मसाज देते हुए अपने फेस पे अच्छे से लगाऊंगी जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मामा अर्थ का सनस्क्रीन, क्योंकि डे मेकअप लुक है तो सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेकअप के लिए, तो आप भी लगाएं अगर भूल जाते हैं तो। और इसको अच्छे से मैं लगाऊंगी मसाज देते हुए और 5 मिनट तक छोड़ दूंगी, फिर मेकअप अप्लाई करूंगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कलर बार का प्राइमर, परफेक्ट मैच प्राइमर है ये, बहुत अच्छा है। इसकी जितनी भी तारीफ करो कम है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा अपने टी जोन एरिया पे लगाऊंगी, आईलेट पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, ठीक है, जिससे कि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। अच्छे से फेस पे लगाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फुल कवरेज फाउंडेशन, और इसका 2 ड्रॉप लूँगी और पूरे फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि इस ये फुल कवरेज फाउंडेशन है तो ये बहुत जल्दी पूरे फेस को अच्छे से हाइड कर देगा, जो भी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, सबको। एक कोट लगा रही हूँ, अगर डबल कोट लगाती तो पूरा फेस मेरा वाइट हो जाता है। आई थिंक पूरा जो मेरा डार्क सर्कल है आई एरिया पर वो भी हाइड हो जाता। तो मैं थोड़ा सा कंसीलर यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर यही 1 ड्रॉप और लेकर यहाँ पर आई के अंडर और अपने माउथ एरिया के साइड लगा लेती हूँ। पूरे फेस को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से डैप टैप करके अच्छे से पूरे फाउंडेशन का अपने फेस पे लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर कॉम्पैक्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसका शेड नंबर है 112 और फाउंडेशन का शेड था 128। और अच्छे से अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ, और आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ब्राउनी शेड, जो कि मैं हर बार लेती हूँ ट्रांजिशन शेड, और यहाँ पर अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई करूँगी। और जब तक अप्लाई करूँगी जब तक मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता, यहाँ पर ब्राउन कलर मैं ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर पर्पल शेड ले रही हूँ, थोड़ा सा पिंक शेड है, डार्क पिंक शेड है, मैं यहाँ पर ये वाला शेड ले रही हूँ और ये भी क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर लेती हूँ, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा है ब्रश में वो सब एज इस निकाल कर उसको आई पे अप्लाई कर रही हूँ। अब इसके बाद पर्पल के बाद मैं यहाँ पर हल्का सा ब्लैक शेड ले रही हूँ, जो कि मैं आउटर कॉर्नर पे यूज़ करूँगी और थोड़ा थोड़ा अंदर भी लेते हुए जाऊँगी, जिससे कि मेरा जो क्रीज एरिया है वो अच्छे से मेकअप अच्छे से दिखे, जिसे अच्छा लगे क्रीज एरिया। और जब तक अप्लाई करूँगी जब तक मुझे अपना डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता, सबको अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैं आईज़ को अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ से येलो शेड उठा रही हूँ अपने फिंगर टिप की हेल्प से। यहाँ पर मैंने येलो शेड अपने लिट एरिया के लिए लिया है और लिट एरिया पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो ड्रेस का कलर है वो येल्लो है, तो इसलिए मैं इसको लिट एरिया पर लगा रही हूँ और इसको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दूसरे साफ क्लीन ब्रश से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाइलाइटर भी अपने लिट एरिया पर लगा रही हूँ, थोड़ा सा ये पिंकी शेड है तो लिट एरिया अच्छा दिखेगा, इसलिए जिससे कि हमारा आई शेडो आई मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मेरा एक आई का आई शेडो लग चुका है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर के लिए फेसिस कनाडा का लाइनर, और इसका जो एप्लीकेटर है बहुत पतला है, बहुत अच्छा लाइनर इसे ड्रॉ हो जाता है।
यहाँ आई मेकअप हो गया कंप्लीट। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ मेबेलिन का फुल वॉल्यूम मस्कारा, और मस्कारा अपने लगा लूँगी। तो यहाँ आई मेकअप हो गया कंप्लीट, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और अब मैं यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, इसी में से पिंक, ये मैट कलर है तो इसी में से पिंक कलर का शेड उठा कर ब्लश लगा रही हूँ। और अच्छे से स्माइल लेते हुए ब्रश लगाने के बाद यहाँ पर मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर सेकंड शेड लेकर, जो मेरी फेस पे हमेशा जाता है वो वाला शेड लेके हाइलाइटर अप्लाई करूँगी अपने नोज़ एरिया एंड चिक एरिया एंड फॉरहेड एंड लिप पे, ठीक है। और छोटे वाले ब्रश से मैं यहाँ यूज़ करूँगी हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर पर, जिससे कि आइज़ भी अच्छे से हाईलाइट दिखे। अब यहाँ पर पूरे मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का अल्ट्रा प्रो फिक्सर, मेकअप फिक्सर, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब कर लूँगी। गाइस अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लिपस्टिक पिंक कलर की, जो कि मैंने लोकल मार्केट से 50 रुपीज़ की बाय की थी। और मेरा मेकअप तो आई का थोड़ा डार्क था मतलब, तो इसलिए मैंने इनहेंस करने के लिए हल्की लिपस्टिक यूज़ की है। तो ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। के मेकअप के लिए बहुत अच्छा मेकअप लुक है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है।